हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है तो लगभग 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ, और हमने ऑलरेडी 2300 रुपीज़ का लॉस देख चुके हैं। यहाँ लास्ट मंथ हमने लगभग 4.7% का लॉस देखा था और लगभग 3200 रुपये नीचे बंद हुए थे। तो वही कंटिन्यू हो रहा है, और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ जो है तो एक लॉन्ग टर्म करेक्शन चालू है। यहाँ हमने ऑलरेडी जो नीचे के टारगेट थे वो अचीव कर लिया है, लगभग जो था 59,000 का। अभी नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 55,500। उसके नीचे भी आप देख सकते हो कि 49,000 तक भी सिल्वर जा सकता है। तो करंटली जो 55,500 का टारगेट मुझे नेक्स्ट टारगेट लगता है, और यहाँ जो लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा वो करेक्टिव साइड ही रहेगा। मुझे लगता है कि 5,500 के अराउंड जो है, 55,000 के अराउंड जो है तो सिल्वर जो है तो शायद सपोर्ट ले, और उसके बाद में जो है तो नेक्स्ट मूव या फिर कंसोलिडेटिव मूव हमें देखने को मिल सकती है। करंटली ये जो करेक्शन है ये आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में ये कंटिन्यू रह सकता है। तो यह वीक व्यू रहेगा, यह बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें सलाह रहेगी कि आपको 55,000 के नीचे ऐड करना शुरू करना है, और मेजर लमसम जो ऐड करना है आपको वो 49 या फिर उसके नीचे ही ऐड करना है। और यहाँ जैसे मैंने मेरे पिछले भी वीडियो में कहा था, मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हो, सिल्वर का मेरा जो टारगेट है लॉन्ग टर्म टारगेट वो 1.5 लाख रुपए का है। तो आपको जो है तो 49 के अराउंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको 3x गेन मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो एक अच्छे खासे गेंस आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं इन लॉन्गर टर्म। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने R1 का टारगेट अचीव किया था इस साल के लिए। उसके बाद में जो है तो अभी हमने निचला S1 का टारगेट अचीव किया और वहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो ये बाउंस बैक वीकली चार्ट पे 64,500 तक जा सकता है, और वहाँ से फिर से हम जो है तो नीचे के लेवल आते हुए देखेंगे। वीकली चार्ट पे बाउंस बैक मोड पे है सिल्वर, और यहाँ मुझे लगता है कि हम 64,500 के लेवल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा मीडियम टर्म व्यू जो रिकवरी साइड रहेगा, मगर यहाँ जो है तो आपको जब स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल मिलेंगे डेली चार्ट पे तभी लॉन्ग जाना है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। क्योंकि यहाँ जो है तो कभी भी रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन पैटर्न शुरू हो सकता है, और हम जो है तो 55,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ 55,000 और उसके बाद में 49,000 के टारगेट अभी भी पेंडिंग है सिल्वर के लिए, और 49 का लेवल जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा खासा वैल्यू बाय रहेगा विथ अ टारगेट ऑफ 1.5 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो वीकली चार्ट पे यह बाउंस बैक मोड है और जिसका टारगेट है 64,500। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है तो टॉप क्रिएट किया था 71 के अराउंड, और बॉटम क्रिएट किया है लगभग 58 के अराउंड, और वहाँ से जो है तो एक बाउंस बैक चालू है। ये बाउंस बैक जो है तो जैसे मैंने कहा 64,500 की तरफ जा सकता है, और आप यह देख सकते हैं कि 200 डेज एवरेज जो है तो राइटली सिचुएटेड एट 64,500। तो उसके तरफ हम सिल्वर बढ़ रहा है, और वहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर हम जो है फिर से निचले के लेवल जो है तो कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा। यहाँ जो है तो ये अगेंस्ट द ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की ज़्यादा संभावना है, और यहाँ स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजिशन के लिए वो रहेगा 61,000 के नीचे, टारगेट रहेंगे आपके 64,000 और उसके बाद में 64,500 के। करंटली करंट लेवल से देखोगे तो 2 से 2,500 रुपये के टारगेट आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1,000 रुपीज़ की रिस्क रहेगी, तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है सिल्वर में। 1,000 रुपीज़ की रिस्क लेनी है आपको, और रिवॉर्ड रहेगा आपका लगभग 2,500 का। तो 1:2.5 रिस्क है, मगर ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, और इसके फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड बट ओनली इन इंट्राडे बेसिस, क्योंकि जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले रहे हो तो उसको कैरी मत कीजिए, क्योंकि ओवरनाइट जो है तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाते हैं कई बार, और उसके वजह से जो आपकी पोजीशन है वो फंस जाती है, या फिर आपको जो है तो अब वो एक्सपेक्टेड लेवल जो है तो लॉसेस लेने पड़ते हैं। तो आई विल टेक लॉन्ग पोजिशन ऑन इंट्राडे बेसिस ओनली। बाकी जो है तो अगर पोजिशनली मुझे कोई शॉर्ट मिलते हैं तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। करंटली जो है तो ये बाउंस बैक जो है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ जो है
तो 64,500 के अराउंड टॉप बनाने के बाद हम फिर से जो है तो 55,000 की तरफ लेवल जो है 55,000 के लेवल की तरफ जो है तो जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ करंटली रिकवरी मोड में शॉर्ट टर्म चार्ट पे सिल्वर, तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे मगर वो इंट्राडे बेसिस पे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो आप मेरे प्रीमियम कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.